साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक महत्वपूर्ण से विषय पर अपन चर्चा करने वाले हैं और ये विषय जुड़ा हुआ है दोस्तों पशुओं के शरीर पर पाए जाने वाले बाह्य परजीवियों से। बाह्य परजीवियों की बात करें तो इसमें मक्खी मच्छर हो सकते हैं, जू हो सकती है, चींचड़ हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो टिक्स और माइट्स होते हैं ये सभी बाह्य परजीवी होते हैं जो पशु के शरीर की बाह्य सतह पर यानी चमड़ी के ऊपर रहते हैं और पशु के शरीर से ब्लड सक करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियों को ये एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट भी करते हैं। जैसे कुछ समय पहले अपन ने लंपी स्किन डिजीज देखा था, जिसमें लंपी स्किन डिजीज मक्खी व मच्छर जो बाइटिंग इंसेक्ट्स थे उनकी वजह से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रहा था। उसी प्रकार से कई प्रकार के ब्लड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जैसे बेबेसियोसिस है, थैलेरियोसिस है, ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये भी इन बाह्य परजीवियों यानी जू चींचड़ के काटने से एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट होते हैं। तो अपने पशुओं के शरीर की ग्रोथ को अच्छे से करवाने के लिए, अपने पशु को स्वस्थ रखने के लिए और विभिन्न प्रकार की जो घातक बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए अपने पशु को इन बाह्य परजीवियों से मुक्त रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में ऐसी दवा के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं जो इन बाह्य परजीवियों से अपने पशु को बचाती है। तो इसमें लेते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन होती है वो होती है फ्लूमेथ्रिन 1% सॉल्यूशन। फ्लूमेथ्रिन का 1% का सॉल्यूशन आता है जो कि मार्केट में विभिन्न कंपनियों के अलग अलग नामों से उत्पाद उपलब्ध होते हैं। अब आज के इस वीडियो में अपन रिकमेंड करेंगे फ्लूमिटास को, जो कि इंटास कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसमें 1% फ्लूमेथ्रिन का सॉल्यूशन होता है, यानी 1 ml दवा में 10 mg फ्लूमेथ्रिन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस दवा का उपयोग कैसे किया जाए। तो दवा का उपयोग पशु की बैकबोन पे किया जाता है, बैकबोन पे इसको लगाया जाता है, जिसमें लगाते समय अपने को ध्यान रखना होता है कि पशु की गर्दन से लेके बैकबोन पर ड्रॉप बाय ड्रॉप करते एक लाइन अपन खींचते हैं और ये लाइन होनी चाहिए दोस्तों बेस ऑफ टेल यानी जहाँ से पूछ शुरू हो रही है वहाँ तक इस लाइन को अपने को ले जाना होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एक लाइन पशु के शरीर पर अपन बना देते हैं और इस लाइन के बाद में पशु के शरीर पर जो भी बाह्य परजीवी हैं जैसे जू हैं, चींचड़ है या माइट्स हैं किसी प्रकार के, वो सभी धीरे धीरे पशु के शरीर से हट जाते हैं और पशु इन बाह्य परजीवियों से मुक्त हो जाएगा, जिसके कारण पशु के शरीर की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा और विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से भी अपना पशु बच पाएगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के परजीवी की अगर अपने बाड़े में समस्या, अपने पशुओं को समस्या है तो निश्चित तौर पर अपन लिक्विड फ्लूमिटास जो सस्पेंशन आता है पोरोन की फॉर्म में, जिसे अपने को बैकबोन पे लगाना होता है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। रूप से इससे आपको बहुत अधिक फायदा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।